नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम करते हैं कुछ फुल फॉर्म्स, ओके, चैप्टर वन। आज हम 15 फुल फॉर्म्स करेंगे, स्टार्ट विद दी फर्स्ट फाइव फुल फॉर्म्स, ओके। तो www, आप सभी ने देखा किसी भी सर्च इंजन में या ब्राउजर में सबसे आगे वेबसाइट के आगे www ही लिखा होता है, तो उसमें www का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड, ओके, वेब। तो www क्या मतलब होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड की तरफ, URL, ये भी हमारा सर्च इंजन में ये लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है? इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? यू से यूनिफॉर्म, ओके। आर से रिसोर्स और एल से लोकेटर, ओके। तो URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड की तरफ, SMS, जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। आजकल तो हम कम ही करते हैं, व्हाट्सएप का ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन SMS भी हमारे यूज होते थे पहले, अब भी आज करते हैं हम यूज, ओके। तो SMS की क्या फुल फॉर्म होगी? S से क्या है? शॉर्ट, और M से क्या है? मैसेजिंग या फिर मैसेज, शॉर्ट मैसेज, और S से सर्विस, ठीक है। तो SMS की फुल फॉर्म क्या है हमारी? शॉर्ट मैसेज सर्विस, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ, नासा, सबने सुना है, स्पेस एजेंसी है, कहां की है पता है आपको, ठीक है। तो नासा फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स, ध्यान से देखिए, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। तो ये क्या है हमारी? नासा की फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम, अपने पांचवें की तरफ। तो क्या है ये हमारा? लैंड, लैंड भी आपने सुना है, लैंड की फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया और एन से नेटवर्क, लैंड की फुल फॉर्म क्या हमारी? लोकल एरिया नेटवर्क। तो हम देख लेते हैं एक बार, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, www जो www है उसकी क्या फुल फॉर्म है? वर्ल्ड वाइड वेब। सेकंड URL की क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। थर्ड SMS की क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस, ओके। फोर्थ नासा क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। फोर्थ लैंड की क्या हमारी? लोकल एरिया नेटवर्क, ओके। फाइव हो गए हमारे, 10 और रहते हैं बाकी, करते हैं अब इसको इरेज कर देता हूं मैं, नेक्स्ट फाइव की तरफ बढ़ते हैं, ओके। तो दोस्तों हमारी फाइव फुल फॉर्म्स हो चुकी हैं, नेक्स्ट फाइव की तरफ बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, ओके। सिक्स्थ हमारी क्या है? KBPS, ओके। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? हम डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं, हमारी इंटरनेट की स्पीड होती है KBPS में, ओके। तो K से क्या हमारा? किलो। बी से, बी ध्यान रखिए यहां बड़ा वाला बी है, ठीक है, छोटे वाला बी भी होता है KBPS में, बड़े वाला बी, इसलिए क्या हो गई? बाइट, ओके। अगर इसकी जगह छोटे वाला बी होता तो वो क्या होता? बिट। बाइट और बिट में भी डिफरेंस होता है, इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा आने वाले वीडियोस में, ओके। तो अभी के लिए आप फुल फॉर्म देखिए, KBPS की क्या है? किलो बाइट, पी से पर और एस से सेकंड, ओके। तो ये हमारे KBPS की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट बढ़ते हैं MBPS, ओके। क्या चेंज हुआ? K की जगह M हो गया, लेकिन क्या स्पीड इंक्रीज हो जाती है ना, KBPS में स्पीड आती है तो बहुत कम होती है, MBPS में आती है तो बहुत हाई लेवल पे चली जाती है, जल्दी जल्दी डाउनलोड होती है चीजें, ओके। तो MBPS से क्या है? M से मेगा, B से बाइट, ओके, और P से वही पर, S से सेकंड। तो MBPS क्या हो गई? मेगा बाइट्स पर सेकंड, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, JPG, हमारी इमेज का फॉर्मेट होता है, इमेज पता है ना हमारी फोटो का, ठीक है, JPG फॉर्मेट होता है, लिखा होता है ना हमारा कुछ भी फोटो हमने लिखा उसके पॉइंट में लगा के JPG या फिर PNG भी होता है, ठीक, JPG कर रहे हैं अभी हम। JPG क्या फुल फॉर्म होती है? J से जॉइंट, ओके। P से क्या होता हमारा? फोटो ग्राफिक, जॉइंट फोटोग्राफिक। G से होता है, लेकिन उससे पहले भी आता है एक चीज, एक्सपर्ट्स ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम, ISO,
हम किसी भी चीज का हमें क्या कहते हैं आईएसओ सर्टिफाइड करवानी पड़ेगी, कोई कंपनी खोल रहे हैं हम आईएसओ सर्टिफाइड करवानी पड़ेगी भाई, तो उसमें आईएसओ फुल फॉर्म क्या होती है, आईएसओ इंटरनेशनल ओ से क्या होगी, ओ पहले आ जाएगा इसमें, ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड ओके okay, अब नेक्स्ट क्या हमारी 10th जो है आई, तो आईपी फुल फॉर्म क्या हमारी आई से इंटरनेट और पी से प्रोटोकॉल ओके okay? तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं नेक्स्ट 5 को, पहले क्या हमारे केबीपीएस किलोबाइट पर सेकंड ओके, नेक्स्ट क्या एमबीपीएस मेगाबाइट पर सेकंड, नेक्स्ट क्या जेपीजी ओके जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप ओके, नेक्स्ट क्या आईएसओ इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ओके, नेक्स्ट क्या आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो हमारी ये नेक्स्ट 5 भी हो चुकी है, हमारी 10 फुल फॉर्म हो चुकी है, नेक्स्ट 5 की तरफ बढ़ते हैं ठीक है ओके, इसको रेज कर देता हूं मैं, चलिए ठीक है। तो दोस्तों हमारी 10 फुल फॉर्म्स हो चुकी है, नेक्स्ट 5 करते हैं जो हमारी लास्ट 5 फुल फॉर्म्स है ओके, ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्या हमारी एचटीटीपी, ये भी हमारा सर्च इंजन हम सर्च करते हैं जब उसमें उसमें लिखा होता है एचटीटीपी ओके साइट से पहले, तो उसका क्या फुल फॉर्म होती है एचटीटीपी की ओके, हाइपर एच से हाइपर, टी से टेक्स्ट, नेक्स्ट टी से ट्रांसफर और पी से क्या हमारा प्रोटोकॉल ओके, तो हमारी क्या हो गई एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्या हमारी एचटीसी ओके, इसके हम फोन्स भी यूज करते हैं और हमारे क्या लैपटॉप्स भी आते हैं एचटीसी के, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होते हैं कहीं वो पता होगा लेकिन किसी को नहीं भी पता तो वो देख सकता है ओके, एचटीसी क्या है हमारी हाई एच से हाई, टी से टेक और सी से कंप्यूटर ओके, बिल्कुल सिंपल है एचटीसी फुल फॉर्म। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारी 13 की तरफ एचपी, ये भी आपने देखा होगा इसके भी क्या होते हैं हमारे लैपटॉप्स होते हैं ना एचपी के, तो क्या होती है उसकी फुल फॉर्म, उसकी फुल फॉर्म होती है एचसी क्या हमारा हैवलेट, हैवलेट और पी से पैकर्ड, हैवलेट पैकर्ड एचपी फुल फॉर्म होगी हमारी हैवलेट पैकर्ड। नेक्स्ट ये हमारा एचडीडी ओके, ये बिल्कुल सिंपल है एच से हार्ड, डी से डिस्क, नेक्स्ट डी से ड्राइव, तो एच डी डी की फुल फॉर्म क्या होगी हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारी लास्ट 15 की तरफ जी एच जेड, ये सभी जानते हैं लेकिन देख लेते हैं फिर भी हम, गीगा जी से गीगा और एच जेड से हर्ट्ज, जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी की यूनिट भी होती है गीगा हर्ट्ज, तो हमारी ये नेक्स्ट 5 फुल फॉर्म्स भी हो गई हमारी की, आज हमारी आज की 15 फुल फॉर्म्स कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको पता चले कि हमारी फुल फॉर्म्स क्या होती है, चैप्टर 1 है, हम आगे फुल फॉर्म्स लेके आएंगे ठीक है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के रूप में इसके नोट्स मिल जाएंगे, जो मैंने 15 फुल फॉर्म्स करवाई है आपको वो पीडीएफ के रूप में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ओके, थैंक यू सो मच।